हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरी किचन में आपका स्वागत है। मैं सोफिया। आज हम बनाएंगे चिकन वाइट सॉस, और जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर आता है। ये मैं आपको टर्किश स्टाइल में बनाना बता रही हूँ। तो ये मैंने बोन के साथ लिया है, आप इसको चाहें तो बिना बोन के भी ले सकते हैं, बोनलेस ले सकते हैं चिकन। इसमें यहाँ मैंने 1 किलो चिकन लिया है, और इसमें जो हम मसाले डालेंगे, ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट बना लिया है। बाकी इसमें हम इसको मैरिनेट करेंगे चिकन को। बहुत ही आसानी सी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बनकर आ जाती है। यहाँ मैंने गार्लिक पाउडर लिया है, लहसुन का पाउडर, ये 1 टीस्पून है। जिंजर पाउडर है, ये 1 टीस्पून है। सॉल्ट है, ये 1 टीस्पून है। रेड चिली पाउडर है, ये 1 टीस्पून है। वाइट पेपर पाउडर है, ये 1 टीस्पून है। रोस्टेड क्यूमिन पाउडर है, ये 1 टीस्पून है। ब्लैक पेपर पाउडर है, ये 1 टीस्पून है। गरम मसाला पाउडर है, ये 1 टीस्पून है। पार्सली लिया है हमने, ये 1 टीस्पून है। और मिक्स ऑर्गेनो लिया है, ये 1 टीस्पून है। रेड चिली यहाँ पे मैंने 1.5 ली है। अगर आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। यहाँ पे मैंने बाउल लिया है, इसमें हम सारे मसाले ऐड कर देंगे। दही इसके अंदर लेंगे हम 4 टेबल स्पून। यहीं पे जो सारे हमारे मसाले हैं, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। वन टेबल स्पून ऑयल लेंगे, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को। और इसी में हम चिकन ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने बाउल चेंज कर दिया है, छोटा था, तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसे कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको मैरिनेट के लिए इसको छोड़ देंगे। चिकन मैरिनेट हो गया है, अब हम इसे बनाने की तरफ चलते हैं। कढ़ाई में मैंने 1 डिश का चम्मच ऑयल लिया है, तो यहाँ पे हम चिकन को इसके अंदर डाल देंगे। और इसको हम 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ही इसको पहले हम कुक करेंगे। यहाँ पे हम फ्लेम को हाई रखेंगे, और 2 मिनट के लिए हम इसे तेज आंच पर ही इसको बनाएंगे हाई फ्लेम पर। दो मिनट के बाद, 2 से 3 मिनट इसे मैंने बनाया है, इसके बाद इसे हम अच्छे से चला देते हैं। और इसको अब हम मीडियम से लो फ्लेम की तरफ इसे अच्छे से बनाएंगे करीब 10 मिनट के लिए, 10 से 12 मिनट के लिए बल्कि। बीच में हम इसको चलाते रहेंगे जिससे ये नीचे लगे नहीं। इसे करीब हम 10 से 12 मिनट इसे पकाएंगे, जब तक चिकन अच्छे से गल नहीं जाता। जब तक चिकन बन रहा है, जब तक हम व्हाइट सॉस तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून मैदा लिया है, ऑल पर्पज फ्लोर। 1.5 कप मैंने मिल्क लिया है। थोड़ा सा इसमें हम स्पाइसी लेंगे, ये मैंने व्हाइट पेपर पाउडर लिया है। थोड़ा सा ज़ाफरान पाउडर है, थोड़ा सा जायफल पाउडर है, ये 2 पिंच है, और 2 पिंच ही जायफल पाउडर है। 1/2 टीस्पून ये आपका वाइट पेपर पाउडर है, और 2 पिंच ही मैंने इसमें नमक लिया है। थोड़ा सा इसके अंदर हम, ये मैंने स्प्रिंग ओनियन लिया है, इसमें आप डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसमें डालें। पैन में मैं बटर डालूंगी, तो ये आपका करीब 2 से 3 टीस्पून बटर होगा। बटर मेल्ट हो जाए, बटर मेल्ट हो गया है, इसमें हम मैदा डालेंगे, और इसको लो फ्लेम पर इसको हम भूनेंगे इसमें हल्की खुशबू आने तक। 2 से 3 मिनट इसको भूनने के बाद इसमें हम मिल्क ऐड कर देंगे।
इसको अच्छे से मिक्स करके इसको हम बनाएंगे अभी करीब, इसको 2 मिनट इसको पकने देंगे। पहले 2 मिनट पकाने के बाद इसमें आप इसके अंदर, अगर आपको ये गाढ़ा लगता है तो थोड़ा सा मिल्क और ऐड कर सकते हैं इसमें आप। और इसे अभी हम करीब 3 मिनट और इसको पकाएंगे कि अच्छे से इसमें ये पक जाए। यहीं पर हम इसके अंदर मसाले ऐड कर देते हैं। लम्स नहीं रहना चाहिए इसमें। और फिर इसे हम उतार लेंगे। 3 मिनट पकाने के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। अच्छे से बन गया है हमारा चिकन, हमारा बन गया है। ऑयल रिलीज कर दिया है चिकन ने। तो यहाँ पर इसको हम पहले सेट कर लेते हैं, या आप किसी जिसमें भी आप सर्व करना चाहते हैं, लेकिन नॉन स्टिक होना चाहिए। तो मैं यहीं पर आपको दिखा रही हूँ कि इसको हमने इस तरीके से सेट कर दिया है। और यहाँ पर इस पर हम वाइट सॉस जो हमने बनाया है वो इस पर हम पोर कर देंगे। इसको अच्छे से इस पर कवर कर देंगे। इस पर हम मोज़रेला चीज़ इस पर डाल देंगे। अच्छे से डालिएगा, ये करीब 1 कप है। और स्प्रिंग ओनियन, और इसको हम लो फ्लेम पर बनाएंगे। इसको हम करीब 5 मिनट के लिए ढककर 5 मिनट के बाद इसे हम गैस ऑफ कर देंगे। ये वाइट सॉस चिकन बनकर रेडी है। इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। ये वाइट सॉस चिकन बनकर रेडी है। आप इसे प्लेन राइस के साथ खाएं या प्लेन फुलके के साथ खाएं और इसको एंजॉय करें। मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, गुड बाय, हैव अ गुड डे।